नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुगर फ्री की गोली यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो शुगर के मरीजों को या मोटापे के मरीजों को जो अपना वेट कम करना चाहते हैं कितने यूज़ करने चाहिए, कौन से यूज़ करने चाहिए, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इनके बारे में गलत धारणाएँ हैं, मिथ्स हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो शुगर फ्री की गोलियाँ हैं ये बेसिकली कई नामों से उपलब्ध हैं। हम सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी कंपनी के बारे में आपको कोई राय नहीं देना चाहते हैं। हमारे लिए सब कंपनियां बराबर हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी कंपनी की शुगर फ्री की गोली ले सकते हैं। हम जो चर्चा करने वाले हैं आज, वो बात करने वाले हैं सबसे पहले शुगर फ्री गोल्ड के बारे में। देखिए, ये शुगर फ्री गोल्ड की गोली है। ये गोली की फॉर्म में आती है और ये पाउडर की फॉर्म में भी आती है। शुगर फ्री के अंदर और भी कई तरह के ब्रांड्स आते हैं जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। शुगर फ्री जो ये गोल्ड के नाम से आती है, इसमें एक्टिव कंपोनेंट होता है एस्पार्टिन, जो कि दो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। वन इज ई एस्पार्टिक एसिड एंड सेकेंड इज ई फिनाइल एलेनिन। ये दोनों कंपाउंड्स मिलकर के एस्पार्टिन बनाते हैं, थोड़ा मेंथॉल भी होता है इसमें। और जब इसको किसी भी चीज़ में फूड के अंदर डाला जाता है तो ये मिठास पैदा करता है। ये गोली लगभग 60 रुपए की 100 गोलियां आती हैं और एक गोली जो है एक चाय में, एक कप चाय के लिए काफ़ी होती है। अगर आप देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि जब एक कप चाय आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको लगभग एक चम्मच या डेढ़ चम्मच चीनी डालनी पड़ती है, जबकि ये छोटी सी एक गोली जो है वो उस चाय को उतना ही मिठास प्रोवाइड करती है जितना कि डेढ़ चम्मच या एक चम्मच चीनी प्रोवाइड करती है। यानी कि ये गोली जो है एस्पार्टिन जो है ये शुगर, ऑर्डिनरी शुगर से लगभग कई गुना ज़्यादा मिठास पैदा कर सकता है। आप इमेजिन कीजिए, अगर एक चम्मच भरकर ये गोली डाल दी जाएँ तो आपकी चाय कितनी ज़्यादा मीठी हो जाएगी। यानी कि ये कंपाउंड जो है शुगर से बहुत ज़्यादा मिठास पैदा कर सकता है। इस कंपाउंड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में हैं, क्योंकि बहुत शुरू शुरू में बहुत छोटी छोटी स्टडीज आई थी जिनके अंदर ये कहा गया कि ये कंपोनेंट जो एस्पार्टिन है इसके लेने से मेमोरी लॉस हो जाता है, लोगों को हेडेक होने लगता है, जो लोग मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं उनको मिर्गी के दौरे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये तक भी कहा कि शुरू शुरू में तो ये गोली भूख को कम कर देती है लेकिन जब इसको हम बंद कर देते हैं तो इससे भूख और बढ़ जाती है, शुगर ख़राब हो जाती है। लेकिन ये जो धारणाएँ हैं बहुत सारी स्टडीज़ के बाद ये बिल्कुल गलत साबित हुई। एक बहुत बड़ी स्टडीज़ पब्लिश हुई थी 2015 के अंदर जिसमें ये बताया गया और ये पाया गया, लाखों लोगों के ऊपर स्टडी की गई और ये देखा गया कि ये जो गोलियां हैं ये पूर्णतः सुरक्षित हैं। और इस गोली का जो डोज है वो डोज है 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर वेट 70 किलो है तो वो जो है ये 10 मिलीग्राम की गोली लगभग 150 गोलियां वो प्रतिदिन ले सकते हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि इतनी गोली कभी कोई भी नहीं लेता, लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गोली पूर्णतः सेफ है और इसको लेने में किसी प्रकार का कोई खतरा, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, ना ही ये गोलियां कैंसर पैदा करती हैं। अगर कुछ लोग पाउडर लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप हलवा वगैरह बनाना चाहते हैं, सेवैयाँ बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये पाउडर डाल सकते हैं। इस गोली की दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इस गोली के अंदर जो है ये हीट स्टेबल नहीं है। यानी कि अगर आप चाय बना रहे हैं तो आपको ये गोली चाय बनने के बाद डालनी पड़ेगी। अगर आप चाय उबलती हुई पानी के अंदर ये डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप हलवा बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं और उसमें इस पाउडर का प्रयोग करना चाहते हैं या गोली का प्रयोग करना चाहते हैं तो मिठास पैदा करने के लिए ये गोली आपको उस चीज़ के बनने के बाद डालनी पड़ेगी, ताकि उसको आपको मिठास भी मिल जाए और ये गोली आपको चीज़ को ख़राब भी ना हो उसके अंदर। दूसरी बात जो है इस गोली के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये गोली कुछ आफ्टर टेस्ट पैदा करती है। यानी कि इसका मिठास जो है काफ़ी देर तक रहता है। जैसे अगर हम कोई चीनी खाते हैं तो थोड़ी देर में वो मिठास हमारे यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब अगर हम ये गोली का प्रयोग करते हैं तो ये गोली जो है कुछ आफ्टर टेस्ट पैदा करती है। और इस आफ्टर टेस्ट की वजह से कुछ लोग इस गोली को प्रयोग करना पसंद नहीं करते हैं,
जो लोग इस गोली को प्रयोग करना पसंद नहीं करते हैं या जिन जिन लोगों को आफ्टर टेस्ट तंग करता है, उन लोगों के लिए और भी शुगर फ्री के ब्रांड्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं उनके बारे में चर्चा करूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एस्पार्टेम जो है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है। जो डाइट कोक, डाइट पेप्सी, जो भी आप प्रयोग करते हैं उनके अंदर एस्पार्टेम का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे शुगर फ्री केक्स हैं, शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं, ये सब जो है एस्पार्टेम को यूज़ करती हैं। और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है एस्पार्टेम है। और बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं होता है। इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने अपने स्टैंडर्ड केयर ऑफ डायबिटीज़ के अंदर ये कहा है कि आप जो है अपने भोजन के अंदर मिठास पैदा करने के लिए चीनी का प्रयोग ना करें बल्कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का प्रयोग कर सकते हैं। और जो बहुत सारी एजेंसीज हैं जैसे जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स जो कि WHO के द्वारा बनाई गई थी, उसने भी ये कहा कि ये जो एस्पार्टेम है ये पूरी तरह सुरक्षित है। और जो साइंटिफिक कमेटी फॉर फूड एडिटिव्स जो यूरोप की कमेटी थी, उसने भी ये कहा कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है कि FDA जो है इस एस्पार्टेम को फूड एडिटिव्स की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरह से अलाउ करती है और इसके अंदर अपनी कोई कैलोरीज नहीं होती। दिस इज़ ए जीरो कैलोरी, नियरली जीरो कैलोरी कंपाउंड। ना इसमें कोई प्रोटीन होता है, ना कोई इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिर्फ ये मिठास पैदा करती है। और अगर बहुत एक दो कैलोरीज अगर ये पैदा भी करती है तो इससे आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है बेफिक्र होकर के जितनी चाहे उतनी गोलियां प्रतिदिन ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। आप इसको दूध में डाल सकते हैं, चीनी चाय के अंदर डाल सकते हैं, अपने घर में कोई और मिठास मीठी चीज़ बनाना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं और इस प्रकार से आप एक सही जीवन जी सकते हैं। जो लोग एस्पार्टेम के आफ्टर टेस्ट को पसंद नहीं करते हैं, यानी कि जो शुगर फ्री गोल्ड को लेना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए दूसरा प्रोडक्ट है शुगर फ्री नेचुरा। शुगर फ्री नेचुरा ये पाउडर की फॉर्म में भी मिलती है और ये जो गोली है ये जो है गोली की फॉर्म में भी मिलती है और ये भी लगभग शुगर फ्री गोल्ड की तरह से लगभग 60 रुपये की 100 गोलियां आती हैं। और इस गोली की बारे में जो मैं बात विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ, ये गोली जो सुक्रालोज, इसमें सुक्रालोज होता है, जैसे उसमें एस्पार्टेम बताया था हमने जो शुगर फ्री गोल्ड था, इसके अंदर शुगर फ्री नेचुरा के अंदर एक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो सुक्रालोज होता है। सुक्रालोज जो है सुक्रोज यानी कि शुगर की ही एक डेरिवेटिव है और ये मिठास तो पैदा करता है लेकिन ये गट में से हमारे इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब नहीं होता है, अतः इसकी कैलोरिक वैल्यू लगभग जीरो होती है। ये गोली हीट स्टेबल है यानी कि आप इसको चाय बनने से पहले भी पानी के अंदर डाल सकते हैं और ये गोली कोई आफ्टर टेस्ट नहीं छोड़ती है। कुछ लोगों को इसका टेस्ट ना पसंद आए वो एक अलग बात हो सकती है लेकिन इसका कोई आफ्टर टेस्ट नहीं होता है। ये गोली भी पूर्णतः सुरक्षित है और शुगर के मरीज इसको चाय के अंदर, बाकी मीठी चीज़ों के अंदर मिठास पैदा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इनसे आपकी शुगर कोई नहीं बढ़ेगी और ये गोली सभी लोग 70 साल तक के लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। जबकि शायद हम आपको ये बताना भूल गए कि जो शुगर फ्री गोल्ड की गोली है, शुगर फ्री गोल्ड की जो गोली है वो गोली प्रेगनेंसी के अंदर और छोटे बच्चों में सेफ, उसकी सेफ्टी के बारे में कंसर्न्स हैं। और शुगर फ्री गोल्ड की जो गोली है वो हम प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चों को देने की एडवाइस नहीं देते हैं। जबकि शुगर फ्री नेचुरा जो है ये जो है प्रेगनेंसी के अंदर भी और बच्चों को भी दी जा सकती है, पूर्णतः सुरक्षित है। ये गोली भी आप जो है लगभग, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, दिखाई यार नजीक से, कि आप सुक्रालोज की जो गोली है लगभग 60 गोलियां यानी कि 58 गोलियां जो है प्रतिदिन आप ले सकते हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि आप इतनी गोली प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही कोई करना चाहेगा। ये गोली भी जो है शुगर से, आम शुगर से लगभग 140 गुना ज़्यादा मिठास पैदा करती है और एक गोली जो है पूरी चाय को मीठा करने में सक्षम होती है। अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो सुक्रालोज होता है ये कभी कभी गैस्ट्रिक ब्लोटिंग कर सकता है, कभी कभी कुछ लोगों को ऑस्मेटिक डायरिया हो सकता है इसकी वजह से।
अतः आप इसका प्रयोग सोच समझ करके करें। एक आधी गोली या दो चार गोली, पांच गोली लेने में प्रतिदिन कोई नुकसान नहीं है। आप इसको चाय में ले सकते हैं, शरबत में ले सकते हैं, दूध के अंदर ले सकते हैं। आप मीठा और कोई मीठा भोजन बनाना चाहते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम तीसरी बात करेंगे शुगर फ्री ग्रीन के बारे में। देखिए ये शुगर फ्री ग्रीन है और ये शुगर फ्री ग्रीन जो है पाउडर की फॉर्म में भी आता है और गोली की फॉर्म में भी आता है। ये शुगर फ्री ग्रीन की जो गोलियां हैं ये सुक्रोज का कोई डेरिवेटिव नहीं है, ना ही ये कोई केमिकल कंपाउंड है। एक जो प्लांट होता है स्टेविया लीफ, जिसको बोलते हैं स्टेविया, STEVIA, स्टेविया लीफ, दिखाइए प्लीज जरा स्टेविया लीफ। ये स्टेविया लीफ से निकलने वाला नेचुरल जड़ी बूटी का ग्लाइकोसाइड है जो कि मिठास पैदा करता है और ये शुगर से लगभग 200 से 250 ग्राम ज़्यादा मीठा होता है। इससे भी कोई कैंसर होने की संभावना नहीं रहती, कोई मेमोरी लॉस की संभावना नहीं रहती। ये पूर्णतः नेचुरल प्रोडक्ट है, आप इसको भी अपने शुगर के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कैलोरी कॉन्शियस हैं, वेट कम करना चाहते हैं, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं इसके। और ये कोई आफ्टर टेस्ट नहीं छोड़ती है और ये भी पूर्णतः हीट स्टेबल है, यानी कि भोजन बनने से पहले, चाय बनने से पहले ही उसके अंदर इसको डाला जा सकता है। और इसको भी आप बिना किसी डर के 100% सुरक्षित मान करके प्रयोग करें। देखिए इस गोली के ऊपर भी लिखा हुआ है कि WHO के द्वारा और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित है। आप इसको प्रयोग करते हुए किसी प्रकार का डर या घबराहट महसूस ना करें। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि शुगर फ्री ग्रीन जो है वो एक हर्ब्स के द्वारा बनाई गई ग्लाइकोसाइड है और ये शुगर से लगभग 250 से 300 गुना चीनी से ज़्यादा मिठास पैदा करती है। आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, इससे कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये समझ आया होगा कि शुगर फ्री की गोली पूर्णतः सुरक्षित है। अगर आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं तो हो सकता है आप पुराने स्टडीज़ को देख करके कभी कभी आपके मन में ये आशंका आ जाए कि एपिलेप्सी इससे बढ़ जाती है, मेमोरी लॉस बढ़ जाता है। इस प्रकार की धारणाएं पूर्णतः गलत हैं। ये दवाइयाँ, ये जो शुगर फ्री है मार्केट में लगभग पिछले 20-25 साल से प्रयोग में आ रही है। बहुत सारे लोग विश्व भर में इसका प्रयोग कर चुके हैं। इसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको लेकर के एक ज़िंदगी में शुगर के रहने के बावजूद मीठी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे आपको शुगर फ्री के बारे में जो धारणाएँ थी हमारे वीडियो से वो कुछ क्लैरिफाई हुई होंगी। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बारे में अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से चर्चा करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।